यूपी में एक बार फिर हिजाब का जिन बाहर आया है। इस बार बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर में स्थित जीएसपीजी डिग्री कॉलेज में हिजाब पहने पहुंचे छात्राओं को कॉलेज के गेट पर रोके जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। छात्राओं को हिजाब में कॉलेज में रोके जाने पर जहां छात्राओं के अभिभावकों ने कॉलेज परिसर में हंगामा काटा, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह शांत कराया। विवाद पर तीसरा रास्ता निकालते हुए कॉलेज परिसर में स्थित चेंजिंग रूम में ड्रेस चेंज करने पर छात्राओं को कॉलेज में एंट्री मिली। तस्वीरें बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर में स्थित जीएसपीजी डिग्री कॉलेज की हैं, जहां हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली छात्राओं को रोके जाने के बाद हंगामा हुआ है। छात्र नेता आफताब ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन से लगातार चेंजिंग रूम की मांग की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि छात्रा घर से बुरखे में आती है, मगर चेंजिंग रूम में वो कॉलेज के ड्रेस कोड का पालन कर सकती है, लेकिन रूम दिए जाने की बजाय छात्राओं को गेट पर रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं कॉलेज प्राचार्य अजय कुमार शर्मा ने दावा किया कि कॉलेज का एक ड्रेस कोड पहले से लागू है, जबकि छात्राओं के लिए चेंजिंग रूम भी उपलब्ध है। उन्होंने दावा किया है कि बीते दो सप्ताह पहले बाहरी तत्वों द्वारा कॉलेज में अराजकता फैलाने का मामला प्रकाश में आया था, इसलिए हम ड्रेस कोड का सख्ती से पालन कराना चाहते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बाहरी तत्वों पर कॉलेज में घुसकर छात्राओं से छींटाकशी करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था, जबकि उसके द्वारा हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग उठाई गई थी। हालांकि फिलहाल कॉलेज प्रबंधन व छात्राओं के अभिभावकों में इस बात पर सहमति बनी है कि छात्रा कॉलेज परिसर में स्थित चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर कॉलेज के ड्रेस कोड का पालन करेंगी। जानू छात्रों के इसकी आवाज शुरू से उठाता चला आया हूं। 2020 में हमें पाउट पास आउट हूं। उसके बाद ऐसा हुआ कि यहां पे कुछ लड़कियां आई हिजाब में और बुरखे में, तो उन्हें जो कॉलेज स्टाफ की तरफ से रोका गया। कौन से कॉलेज में? ये जीएसपीजी कॉलेज है, इसके कॉलेज स्टाफ की वजह से उन्हें रोका गया और वापस लौटा दिया। सिर्फ हमारी एक ही मांग थी, हमारी मेरी लास्ट टाइम प्रिंसिपल सर से बात भी हुई थी कि उनके लिए एक रूम अवेलेबल कर दिया जाए। वो बुरखे में आएंगी और अपनी चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करके क्लास चले जाए, क्लास चलाएंगी और वापस आ जाएंगी, लेकिन उन्हें यहाँ रोका गया और अब कोर्ट इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्हें हमने अपनी बात समझाई, उन्होंने रूम अवेलेबल कराया, उससे और कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। इसमें ऐसा है कि लगभग 15-20 दिन पहले कुछ आउटसाइडर बच्चे प्रवेश भी चल रहे थे, तो कुछ शिकायत मिली कि आउटसाइडर बच्चे आ जाते हैं, तो उसके निदान के लिए कॉलेज में वैसे ड्रेस कोड पहले से ही है, तो हमने उसको और प्रयास किया कि थोड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाए। आज हमारी अनुशासन समिति पूरी गेट पर चेकिंग कर रही थी, तो उस दौरान कुछ बच्चों को लड़कियों को बोला गया कि आप चेंजिंग रूम में जाके गर्ल्स कॉमन रूम है कॉलेज में, तो वहाँ अपना जो है ओवरकोट वगैरह वहाँ चेंज कर लीजिए, तो उसकी वजह से कुछ आपस में बहसबाजी हुई। सर स्थिति जो है क्या व्यवस्था की गई है छात्राओं के लिए? छात्राओं के लिए हमारे कॉलेज में पहले से गर्ल्स कॉमन रूम है और जो भी बच्चे हैं उसमें अपना वो बैठती हैं, पढ़ती भी हैं जब कोई पीरियड खाली रहता है, और उसी में वो चेंजिंग रूम के रूप तरह भी यूज़ कर सकती हैं बच्चे। तो सर बुरके को लेकर भी कोई मामला हुआ था सर? नहीं, कोई बच्चे अगर आई भी है बुरका पहन के तो चेंजिंग रूम है, उसमें हमारी मैडम फरजाना जो वहाँ पर चेकिंग कर रही थी, उन्होंने उन्हें शायद यही कहा, मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि आप गर्ल्स कॉमन रूम में जाइए, चेंज कर लीजिए और फिर अपनी क्लास कीजिए। तो आगे क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था यही है कि जो है ड्रेस कोड लागू होगा, और ड्रेस कोड तो पहले से लागू है, तो उसको प्रयास किया जाएगा कि फॉलो करें, ताकि जो है कोई भी असामाजिक तत्व जो है कॉलेज में प्रवेश ना कर पाए, और यही एक तरीका है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।